नमस्कार, एमबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते आज की कुछ खास खबरों पर। दो माह से नहीं मिली वृद्धाओं को पेंशन, भूखमरी से एक वृद्ध ने गंवाई अपनी जान। वार्ड नंबर 5 के पूर्व पार्षद ने शासन प्रशासन को घेरा। लांजी नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 5 मंडई टेकरी में विगत कई वर्षों से निवासरत बैगा समुदाय के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जानकारी अनुसार उक्त बैगा समुदाय इस स्थान पर तब से निवास कर रहे हैं जब उनके सिर पर स्वयं का आसियाना भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार बैगार के उत्थान एवं विकास के लिए हर समय अपनी पीठ थपथपाने का कार्य करती रही है, परंतु धरातल बैगाओं की स्थिति इसके ठीक उलट है। बैगा समुदाय आज भी अपने अस्तित्व की तलाश में भटक रहे हैं। वहीं शासन की योजनाओं की संपूर्ण जानकारी और अधिकारियों के सुस्त रवैये के कारण इन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे बैगा जाति के लोग भूखमरी जैसी स्थिति आकर मरने को विवश हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नगर परिषद लांजी के वार्ड नंबर 5 में निवासरत रवेल सिंह पिता उमराव, जो कि अति गरीब और पीला राशन कार्ड धारी का मुखिया है। मृतक बनियोबाई उसकी माँ थी, जिसे पिछले 2 माह से वृद्धा पेंशन नहीं मिलने के कारण भूखमरी से उसकी मृत्यु हो गई। जबकि इस मामले में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए वार्ड नंबर 5 के पूर्व पार्षद लीलाधर डोलस एवं वर्तमान पार्षद ने जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के संज्ञान में उक्त मामले को लाने की बात कही। साथ ही उक्त महिला की मौत की कड़ा विरोध करते हुए प्रदेश के मुखिया, जो कि बैगाओं के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं और उनके द्वारा किए गए वादे यहाँ खोखले साबित हो रहे हैं, और मृतक वृद्धा महिला को समय पर वृद्धा पेंशन मिलती तो शायद यह भूखमरी से उसकी मौत नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा, पूरे देश और प्रदेश में न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते और भूखमरी से मरने की कगार पर आ जाते हैं। ऐसे में यह देखना लाजमी होगा कि मध्य प्रदेश के मुखिया ऐसे बैगा परिवार को क्या मुआवजा प्रदान करते हैं। वहीं मृतक वृद्धा महिला के परिजनों को अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए वार्ड नंबर 5 की पार्षद श्रीमती कल्पना लीलाधर डोलस द्वारा नगद 1,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। एमबीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। जैसे कि आप इस वार्ड की पार्षद है और आज आप यहाँ पे खड़ी एक अंत्येष्टि भी हो रही है, क्या पूरा मामला और कैसे आप इसको देख रहे हैं? अभी ऐसी परिस्थिति में इनको देख रहे हैं, इनकी भूखमरी के कारण मृत्यु हुई है, जो शासन ने कुछ लाभ नहीं दे पा रही इनको, कुछ नहीं। आपने भी अभी राहत राशि दी है, मैंने देखा है अभी आपने। जी तो जो नगर परिषद से 5,000 रुपये संबल योजना के तहत तत्काल मिलना चाहिए, क्या वो नहीं मिल पाया अभी इनको? वो नहीं मिल पाई ना, अभी तक नहीं मिल पाया। इस बाबत कोई बातचीत किसी से किया था आपने? जी सेमो से, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसमें। 3 बजे तक का समय दिया उन्होंने। बराबर, नाम है आपका? गुंडू मामा। और ये जो मृतक है कौन लगती है आपकी? आए, जो डेथ हुई जो मरी है इनका, उसका नाम क्या है? उसका नाम बनियो। बनियो माँ थी आपकी? हाँ जी। क्या हो गया, मतलब क्या पेंशन नहीं मिल रही थी आपको? नहीं जी। कुछ भी नहीं? हाँ। अभी भी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही जी। अच्छा, और कितने लोग आपके परिवार में? परिवार में मेरा भाई है छोटा, वो वाला, और एक मेरी घरवाली, एक लड़का है, और अपना। भैया, जैसे आप यहाँ पे भी है जगह पर हम देख रहे हैं अंत्येष्टि हुई है, क्या पूरा मामला है और मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें? मामला ऐसा है कि मैं इस वार्ड का पूर्व पार्षद हूँ, जिलाधर डोलस। वर्तमान में मेरी पत्नी आम आदमी पार्टी से पार्षद है वार्ड नंबर 5 नगर पालिका लांजी में, जिला बालाघाट। घटना ऐसी है कि रवेल सिंह पिता उमराव, अति गरीबी पीला राशन कार्ड धारी है, पीला राशन कार्ड धारी का मुखिया है। मृतक बनियो भाई उसकी माँ है, वो वृद्धा पेंशन लेती थी, लेकिन नगर पंचायत कलेक्टर इस बात को संज्ञान में नहीं ले रही है कि इनको दो महीने से पेंशन नहीं मिला हुआ है, जिसके कारण भूखमरी से इसकी मृत्यु हो गई। मैं शासन से ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश देश में ऐसे कितने लोग
भूख से मरते होंगे, जिनको शासन की योजनाओं का समय के पहले लाभ नहीं मिल पाता। मैं कलेक्टर से संज्ञान में लेकर कलेक्टर से पूछना चाहता हूं, नगर पंचायत सीएमओ से पूछना चाहता हूं, आपके कार्यक्रम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आज तक ऐसे शासन की योजनाओं के बाद भी इन लोगों को शासन की योजना समय के पहले नहीं मिल पाती, जिसके कारण ऐसी मृत्यु भूख से हो जाती है।